विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिले से, जहां मऊगंज विधानसभा के ग्राम पंचायत पकरा में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल पहुंचे और पतियारी के साथ पथरिया तक बनाई जाए वाली सड़क के भूमि पूजन के हैं। बताए दे कि यह कार्यक्रम पर खास मेहमान विधानसभा अध्यक्ष कहिन के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र में विकास के काम जारी रही। बताई दे के कार्यक्रम में मऊगंज SDM AP द्विवेदी, तहसीलदार रत्न राशि पांडे और थाना प्रभारी श्वेता मौर्य सहित अंचल के जनप्रतिनिधि और गांव के लोग मौजूद रहे। रीवा जिला में एक बेर फिर NGO चलावे वाले और स्थानीय लोगन के बीच मारपीट भई। बताई दे कि मारपीट में कुछ लोग घायल भी हैं, जिनका उपचार के खातिर अस्पताल पहुंचावा गया है। वहां इन दोनों पक्ष के शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर ली सी और जांच शुरू कर दी सी। बताई दे कि यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जूला के आए। मिली जानकारी के मुताबिक पशुओं के रख रखाव और उनके उपचार के खातिर NGO चलावे वाली रूपा सिंह अपने साथियों के साथ जूला मोड़ पहुंची, तब आसपास के लोगन के द्वारा पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जेमा एक आदमी के सिर में चोट लग गए। यह घटना से मौका में अफरा तफरी के माहौल बनी गया, जे के बाद पुलिस का सूचना दी गए और दोनों पक्षों के शिकायत दर्ज कर ली गई। कल गए थे राम विश्वास सोनी के बच्ची की शादी में, वहाँ भोजन लिया, भोजन लेने के बाद बाहर आए और भीड़ ज़्यादा होने के कारण गाड़ी नहीं निकाल पाए। इसके बाद कुछ टाइम में फ़ोन घर से आ गए, बात करते रहे। थोड़ी देर बाद दो लोग आए, रुपेश पटेल और एक और था तारानाथ पटेल, आए और कहे कि सर थोड़ा सा आइए, काम है, किनारे बुलाए। और जैसे ही मैं शोभनाथ पटेल के घर के बगल में गया तो रुपेश पटेल ने पीछे से कान के नीचे इतना पड़ाक पड़ाक 5-6 मुक्का मारा कि मेरे नाक से पूरी तरह से खून, कान का पीछे एक साइड का पर्दा भी फट गया, हाथ टूट गया। और फिर इसके बाद मैं पूछा कि मेरी क्या गलती है, तो बोलते हैं कि साला गुंडागर्दी दिखाता है, आवास की दूसरी किस्त क्यों नहीं दिया। हमने कहा कि आप किस्त मिल जाएगी, अगर नहीं भी मिलती है तो आप साहब से बात कर लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, काहे मार रहे हैं। फिर इसके बाद घंटों हमको पिटाई किए, जान बचा करके हमारे कुछ मित्रगण रहे उनके सहयोग से मैं थाने तक पहुंचा और रात में थाने में आवेदन दिया। इसके बाद रवि सर जांच किए पूरी और इसके बाद मैं चला गया घर। खबर रीवा जिला से आवल्ला ही, जहां कन्या महाविद्यालय के मां कल्लई के NSUI अब आंदोलन करे के खातिर तैयार हुई गई। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन TRS कॉलेज इकाई अध्यक्ष पंकज उपाध्याय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दीन के उनके द्वारा लगातार मांग ही जात लागी कि रीवा मां कन्या महाविद्यालय खोला जाए। आई अपना पंचन का सुनाई थे आयोजित पत्रकार वार्ता मां का मांग की गई है। संगठन के छात्र नेत्रा और छात्र नेति, हम लोग विगत कई वर्षों से, लगभग 2 वर्षों से हम लोग एक कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। जब यहाँ पे कमलनाथ जी की सरकार थी तब उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे हमारे यहाँ जीतू पटवारी जी, उन्होंने हम लोगों की मांग पर ही एक कन्या महाविद्यालय खोलने की बात कही थी। गंगा कछार की जमीन उस समय खाली पड़ी हुई थी, वहां पे कन्या महाविद्यालय देने की बात कही गई थी। वर्तमान में भाजपा की सरकार है जो कहते हैं विकास के नाम पर ताली बजवाने का काम करते हैं और कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे 8-8 विधायक हैं भाजपा के और एक सांसद जी हैं और यहाँ तक की रीवा विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। हमारी इनसे 2 सालों से मांग कर रहे हैं, यहाँ तक की कॉलेजों में हम लोग हस्ताक्षर अभियान करा चुके हैं, 1 वर्ष पहले संभागीय कार्यालय का घेराव भी कर चुके हैं एक कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर।
जो झूठी ताली बजवाते हैं विकास के नाम पर। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपने कार्यकाल में कितने विद्यालय महाविद्यालय रीवा शहर को दिया है आपने? जो जो भी पुराने विद्यालय महाविद्यालय बने हैं उसमें अभी सीएम राइज स्कूल घोषित की गई है एक कन्या महाविद्यालय को बंद करके। हम लोगों की मांगे ये है, एनएसयूआई लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार मांग कर रही है कि एक कन्या महाविद्यालय और जरूरी है। एडमिशन के समय इतनी ज्यादा समस्या होती है, लास्ट में फिर छात्राओं को प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेज में कुछ ऐसे सामान्य वर्ग के परिवार हैं जो कि सामान्य परिवार से आते हैं, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के स्थिति में नहीं होते। कई छात्र छात्राएं ऐसी रह जाती हैं जो एडमिशन से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पे जिस हिसाब से जनसंख्या लगातार बढ़ रही है छात्र छात्राओं की और एडमिशन की मारामारी होती है, हम लोग एडमिशन के समय हमेशा आंदोलन करते हैं एडमिशन के लिए, उसके बाद भी कई छात्र छात्राएं वंचित रह जाते हैं। तो हम लोग लगातार इसमें आंदोलन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। अभी विगत दिनों विधानसभा अध्यक्ष जी ने एक बयान जारी किया था, उसमें कहा था कि कन्या महाविद्यालय नहीं हम विश्वविद्यालय देंगे। तो आप कन्या विश्वविद्यालय की तो बात छोड़ दीजिए, आप एक विद्यालय नहीं दे पाए अभी तक, महाविद्यालय ही दे दीजिए आप कम से कम। जो सरकारी जमीनें पड़ी है, गंगा कछार की पड़ी थी, उस समय हम लोगों ने कई बार मांग की, कोई भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं। यहाँ का प्रतिनिधि मौन बैठा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ झूठे विकास के नाम पर ताली बजवाने का मौका ढूंढते हैं और सोशल मीडिया और मीडिया में आके वादा करते हैं बस। उसके बाद छात्र छात्राएं परेशान होते रहे, उनसे कोई मतलब नहीं रहता। हमारी मांग है विधानसभा अध्यक्ष जी से और विधायक राजेंद्र शुक्ला जी से, स्पष्ट रूप से मांग कर रहे हैं छात्र नेता, अब अगर हम लोगों की मांग पर कोई भी एक्शन नहीं होता है तो हम पूरे विद्यालय के और महाविद्यालय के छात्र और छात्र नेतियों के साथ हम लोग बृहद आंदोलन भी करेंगे। अभी हम लोग शांतिपूर्वक आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप मुखबधिर बन के मत बैठिए, सामने आइए और छात्राओं की जो आप बात करते हैं कि हम छात्राओं के हित में, मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हम मामा हैं बेटियों के, तो आप बेटियों के हित में निर्णय लीजिए और एक कन्या महाविद्यालय दीजिए। रीवा शहर में कन्या महाविद्यालय की बहुत ही आवश्यकता है। प्रदेश संगठन के निर्देश में जिला स्वास्थ्य संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दी है। यह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट के सामने कीन जात लाग है। धरना प्रदर्शन के बारे में कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर तिवारी बताएं कि प्रदेश संघ के आह्वान में 32,000 स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी अपने मांगन कलई के धरना प्रदर्शन शुरू की ही। यह विरोध 52 जिला में चलत लाग है। अध्यक्ष बताएं कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 20 साल से कार्यरत हैं। बताए दे कि उनके मांगन का दरकिनार कई दिन जात है, जबकि उनकर दुईठे मुख्य मांग है, जौने मां नियमितीकरण और निष्कासित कर्मचारी का बहाली, उनकर या दुई मांग ही, लेकिन उनके मांगन का नहीं माना जात लागा है। आई अपना पंचे सुनी पदाधिकारी और का जानकारी दी थी। हड़ताल अनिश्चितकालीन है, क्या मामला है यहाँ पर? मैं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का कार्यकारी अध्यक्ष सुधाकर प्रसाद तिवारी। प्रदेश आह्वान पर प्रदेश स्तर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में 52 जिलों में कल दिनांक 15 दिसंबर 2022 से अनिश्चितकालीन हड़ताल तक में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 20 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं और समय समय पर हम लोगों ने शासन प्रशासन स्तर पर मांगे उठाई है, लेकिन हमेशा हम लोगों को लॉलीपॉप झुंझुना के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी? हमारी दो सूत्री मांगे हैं। पहली मांगे नियमितीकरण, और जब तक नियमितीकरण प्राप्त नहीं होता हो जाता है तब तक 5 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक नीति बनाई थी, तब तक हमको वो प्रदान किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे जितने निष्कासित साथी हैं उनकी बहाली हो। ऐसे कितने स्वास्थ्य संविदा कर्मी हैं जिन शहर में अपने रीवा निष्कासित में? रीवा संभाग में 2,500 हैं, लगभग 2,500 हैं। और पूरे प्रदेश में 32,000 पूरे प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। क्या माना जा रहा है, आपकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? हम लोग कोरोना के टाइम में इतनी अच्छी सेवाएं दी हैं, ठीक है, और हम लोगों ने अपने कई संविदा साथियों को खोया भी हैं, और
प्रशासन हम लोगों के लिए सिर्फ बयानबाजी करता है कि संवेदनशील है, लेकिन 1 से 20 वर्षों तक में हम लोगों ने कई बार हड़ताल की अपनी मांगे रखी, लेकिन उनकी कैसी संवेदनशीलता है कि संवेदनशीलता क्या है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आपकी इस हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग में क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। दवा वितरण प्रभावित है, टीकाकरण प्रभावित है, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ लगभग ठप है। नाम बता दीजिए। नाम अपना बता दीजिए। हमारा नाम सुधाकर प्रसाद तिवारी। खबर रीवा जिला से ही, जहां अपने लड़का से मिलाए आए बाप के ऊपर बदमाश हमला कर दिए। दरअसल युवक बदमाश से पैसा छीने चाहत रहे हैं, लेकिन जब वह पैसा दे से मना की हिस्त ओखे ऊपर प्राण घातक हमला कर दीज। जब वह अचेत होगा तब पैसा छीन के रफ चक्कर हो। रेडियो कॉलोनी में पड़े युवक का देख के स्थानीय लोग पुलिस का सूचना दी, तब पुलिस मौके में पहुंची और घायल का इलाज के खातिर अस्पताल पहुंचावा गया है। घायल युवक के पहचान जितेंद्र उपाध्याय निवासी उत्तर प्रदेश के रूप में भई ही। घटना यही है कि भैया पैसा छुड़ा रहे थे, नहीं दे रहा था तो मारपीट किए। मेरा नाम जितेंद्र उपाध्याय है, यूपी के प्रतापगढ़। कहाँ से ले गए थे? पकड़ के नहीं, मैं जा रहा था, ये लड़के से मिलने आया था सिरमौर चौराहे में, तो वहीं पे मारे हैं। कहाँ पकड़ के ले गए? ये यहीं पे ब्रिज के नीचे उस साइड में। मैं चिल्ला रहा था लेकिन कोई सुना नहीं। 11:30-12 बजे चिल्ला रहा था, कोई सुना नहीं। रात को कपड़े मुँह में कपड़ा भर दिए थे जब चिल्लाने लगा तो। 3 लोग थे। कहाँ पर फेंके थे? रेडियम कॉलोनी तरफ उठा के फेंक दिए थे, मरा हुआ समझ के। लड़के से मिलने आए थे? हाँ, लड़के से मिलने। जो वो वहीं के हैं, कोई लोकल है, मनोज कबाड़ी करके बोल रहे। भैया अभी सूचना वहीं पुलिस वाले आए थे, पूछे, उसके बाद 108 में यहाँ भेज दिए, अभी जाना है। खबर रीवा जिला से अवल्ला ही, जहाँ तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चालक सड़क के किनारे खड़ी औरत का जोर से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज रही कि महिला के तुरंत मौत हुई गई। घटना का देख के आसपास के लोग मौका में पहुंचे, बताई दी कि अनियंत्रित स्कॉर्पियो कुछ दूर जाए के पलट गए और चालक मौका से फरार हो गया। आक्रोशित लोगन के द्वारा रीवा सिमरिया मार्ग स्थित साव गांव में जाम लगाए दिन गया है। बतावा जात है कि साव के रहने वाली रिंकू कोल सड़क के किनारे खड़ी रही ही, तबे रीवा की तरफ से तेज रफ्तार से जा रहा स्कॉर्पियो चालक लापरवाही से वाहन चलावत रहा है और महिला का जोरदार टक्कर मार दी, जौने से ओखर मौत हो गई। घटना के जानकारी मिलते मौका में पुलिस पहुंची और लोगन का समझावे के प्रयास करत लागी। आज खातिर इतने। बघेली मविंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।